गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। हम इस वीडियो में देखने वाले हैं 6 नवंबर 2020 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्न बन सकते हैं पूरे पूरे डिटेल में और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इस वीडियो का पीडीएफ बहुत आसान तरीके से वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, चालू करते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। What percentage of tax expectation has been given by Tamil Nadu government on e-vehicles? यानी कि तमिलनाडु सरकार ने ई वाहनों पर कितने प्रतिशत कर में छूट दी है। दोस्तों अब देखिए, जो तमिलनाडु सरकार है उसने जो इलेक्ट्रिक चलने वाले गाड़ी है उसको खरीदने पर ऑप्शन नंबर से यानी कि 100% टैक्स में छूट देने का निर्णय लिया है। दोस्तों अब देखिए, इससे पहले तमिलनाडु में अगर कोई व्यक्ति दो पहिया वाहन या चार पहिया वाहन खरीदता है तो उसको टैक्स में 50% का छूट दिया जाता था, लेकिन दोस्तों इसको बढ़ा करके 100% कर दिया गया है। अब देखिए दोस्तों, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो केंद्र सरकार है उसके अनुसार जो भारत के जितने भी रोड है उसके ऊपर 2022 तक 50% गाड़ियां इलेक्ट्रिक से चलने वाली दौड़ा देने का लक्ष्य रखा है। दोस्तों किसने? तो केंद्र सरकार ने दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि तेलंगाना सरकार है उसने दोस्तों कुछ दिन पहले जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की नीति लॉन्च करी, और दोस्तों इस नीति के अंतर्गत में उसने जो भी गाड़ी खरीदा जाएगा उस पर जो रोड टैक्स है होता है उसके ऊपर, और जो उसका रजिस्ट्रेशन दोस्तों जो चार्ज होता है वो उस 100% माफ़ करने का निर्णय लिया था दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों ये हमें ये भी पता होना चाहिए कि जुलाई 2020 तक जो भारत में दोस्तों केवल 25.3 लाख दोस्तों जो गाड़ियां हैं इलेक्ट्रिक चलने वाली उसकी खरीदारी हो चुकी है, ठीक है। अब हम देखेंगे दोस्तों इम्पोर्टेंट फैक्ट तमिलनाडु के बारे में। दोस्तों जो तमिलनाडु है उसकी राजधानी है चेन्नई, इसके पॉइंट टाइम के मुख्यमंत्री हैं एडापादी के पलास्वामी, इसके राज्यपाल है बनवारीलाल पुरोहित, और इसकी पार्लियामेंट में सीटें हैं राज्यसभा की 18 और लोकसभा की 39। और दोस्तों ये राज्य बना था 1 नवंबर 1956 को, और इसका डांस है राजकीय भरतनाट्यम जो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद कीजिएगा। जानवर है नीलगिरी तहर, पक्षी पन्ना कबूतर, फूल ग्लोरियसा लीली, फल कटहल, पेड़ मिडमिया आर्गन पॉम ट्री, और खेल है कबड्डी। ओके दोस्तों, और मुझे विश्वास है कि आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लग रही होगी, हमारे फैक्ट अच्छे लग रहे होंगे। तो दोस्तों वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, अगर अच्छे ना लगे तो डिसलाइक कर दीजिएगा, और जो भी दोस्त इस चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो देखते हैं अगला प्रश्न। Who has been appointed the new batting coach of the New Zealand cricket team recently? यानी कि हाल ही में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का नया बल्लेबाजी कोच किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों अब देखिए, जो न्यूजीलैंड का क्रिकेट टीम है उसके बैटिंग के कोच नियुक्त किए गए हैं ऑप्शन नंबर यानी कि ल्यूक रोंगी, और जो तो जो ल्यूक रोंगी हैं ये विकेट कीपर बल्लेबाज रह चुके हैं न्यूजीलैंड की तरफ से दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, इनका जन्म हुआ था न्यूजीलैंड में, लेकिन दोस्तों इन्होंने जो अपना इंटरनेशनल करियर की शुरुआत करी क्रिकेट में दोस्तों वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से करी थी, और दोस्तों जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से इन्होंने 2008 में 4 वनडे मैच और दोस्तों 3 T20 इंटरनेशनल मैच खेला था, और उसके बाद में दोस्तों ये आ गए थे अपने देश यानी कि दोस्तों न्यूजीलैंड में, और न्यूजीलैंड के क्रिकेट टीम की तरफ से इन्होंने 2013 से लेकर के 2017 के बीच तक 4 टेस्ट मैच और दोस्तों 81 वनडे मैच दोस्तों खेलने का काम किया, और उसी के साथ साथ 30 T20 मैच भी खेला दोस्तों, और उसके बाद इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था दोस्तों, ठीक है। और प्रेजेंट टाइम पर जो न्यूजीलैंड के दोस्तों जो क्रिकेट के बैटिंग के कोच नियुक्त किए गए हैं कौन थे? ल्यूक रोंगी, और दोस्तों ये अपना पद ग्रहण करने वाले हैं दोस्तों जो न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज का दौरा होने वाला है दोस्तों कुछ ही दिनों में, तो उसी मैच से ये अपना पद संभालने वाले हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट न्यूजीलैंड के बारे में दोस्तों। अब देखिए, जो न्यूजीलैंड है इसकी राजधानी है वेलिंगटन, और यहाँ की प्रधानमंत्री हैं जैकिंडा आर्डन। दोस्तों जो जैकिंडा आर्डन है ये लगातार दूसरी बार न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री नियुक्त कर दी गई हैं, ठीक है। वहाँ पे मुद्दा चलती है न्यूजीलैंडी डॉलर। ओके, अगला प्रश्न। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व ऑफ मध्य प्रदेश हैज बीन डिक्लेयर्ड ए यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व? यानी कि मध्य प्रदेश के निम्न में से किस टाइगर रिजर्व को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया गया दोस्तों? अब देखिए, ये
टाइगर रिजर्व है जिसको यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व दोस्तों घोषित किया है। इस टाइगर रिजर्व का नाम है ऑप्शन नंबर इनकी पन्ना टाइगर रिजर्व दोस्तों, ठीक है। अब देखिए जो पन्ना दोस्तों जो टाइगर रिजर्व है ये भारत का 12वां टाइगर रिजर्व है दोस्तों, और मध्य प्रदेश का पंचमढ़ी और अमरकंटक के बाद में तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व है दोस्तों। अब देखिए बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं दोस्तों। अब देखिए जो भी जीव जंतु होते हैं दोस्तों उनका ये आरक्षित क्षेत्र होता है, यानी कि जो भी लुप्त प्राय जंतु होते जा रहे हैं उनको बचाने का दोस्तों यहाँ पर काम किया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसको यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व दोस्तों घोषित किया है, तो ये वर्ल्ड स्तर पर दोस्तों इसकी गणना कर दी जाएगी दोस्तों, इसको सर्टिफाई कर दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर वर्तमान में प्रेजेंट टाइम पर पन्ना टाइगर रिजर्व में 56 बाघ हैं दोस्तों, ठीक है। और जो ये पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है ये मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर के जिलों में दोस्तों ये फैला हुआ है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों जो आप देख रहे हैं सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व और कान्हा टाइगर रिजर्व दोस्तों, ये तीन जो टाइगर रिजर्व है दोस्तों आप चार देख रहे हैं, ये सारे मध्य प्रदेश के दोस्तों रिजर्व हैं। इनको आप दोस्तों जो मध्य प्रदेश है उसकी राजधानी है भोपाल, इसके चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, इसके गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, और इसकी पार्लियामेंट में सीटें हैं राज्यसभा की 12 और लोकसभा की 29। और दोस्तों ये राज्य बना था 26 जनवरी 1950 को, ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के अंडर में दोस्तों आता है। इसके पॉइंट टाइम के चीफ जस्टिस हैं अजय कुमार मित्तल, ठीक है। अब देखिए जो मध्य प्रदेश, इसके राज्य की डांस है माच, जानवर है बारह सिंघा, पक्षी इंडियन फ्लाई क्राफ्टर, फूल सफेद लीली और फल है आम, ओके। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने अमेरिकी चुनाव के इतिहास में सबसे ज्यादा वोट हासिल करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया दोस्तों। अब देखिए ये रिकॉर्ड नाम कर लिया अपने नाम, ऑप्शन नंबर बी यानी कि जो बाइडन दोस्तों, जो जो बाइडन है ये प्रेजेंट टाइम पर ये अमेरिका में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार है दोस्तों, और इन्होंने पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का रिकॉर्ड दोस्तों तोड़ने का काम किया, और अमेरिकी इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, और दोस्तों सबसे ज्यादा इन्होंने अपने नाम वोट करने का रिकॉर्ड बनाया दोस्तों। अब देखिए प्रेजेंट टाइम पर दोस्तों अभी गणना चल रही है, तब भी दोस्तों बाइडन को 7,20,49,321 दोस्तों वोट मिल गए दोस्तों प्रेजेंट टाइम पर, और दोस्तों ये बढ़ते ही जाएंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों प्रेजेंट टाइम की जो गणना करी गई उसमें टोटल 538 सीटों में से जो बाइडन को दोस्तों 238 सीटें मिली हैं, और जो हमारे डोनाल्ड ट्रंप है दोस्तों उनको 213 सीटें मिल चुकी हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों जो बराक ओबामा है उनको 2008 में 6,94,98,516 दोस्तों वोट मिला था, और उसके बाद दोस्तों ये अब दो नंबर पर हो गए बराक ओबामा, और उससे पहले दोस्तों 1996 में जो बिल क्लिंटन थे उनको 4,74,00,000 दोस्तों और 1,185 वोट दोस्तों मिला था, और ये अमेरिकी इतिहास में दोस्तों ऐसा पहली बार हुआ है, और सबसे ज़्यादा वोट मिला किसको, तो जो बाइडन दोस्तों। अब देखिए राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार दोस्तों, और जो कमला हैरिस दोस्तों आपको पता होना चाहिए ये उपराष्ट्रपति की उम्मीदवार दोस्तों घोषित कर दी गई थी, और ये अमेरिकी मूल की दोस्तों पहली नागरिक हैं इस पद के लिए चुने जाने वाली, ठीक है। अगला प्रश्न, Who has been appointed the new chairman of Mumbai Port Trust? यानी कि मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया दोस्तों। अब देखिए जो मुंबई पोर्ट ट्रस्ट है उसके नए अध्यक्ष के तौर पर ऑप्शन नंबर सी यानी कि राजीव जलोटा की दोस्तों नियुक्ति कर दी गई है। अब देखिए जो राजीव जलोटा हैं ये महाराष्ट्र कैडर के 1988 बैच के एक भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी दोस्तों एक IAS अधिकारी हैं, और दोस्तों ये बर्जेंट टाइम पर ये राज्य के पहले माल और सेवा कर यानी कि जो GST होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स दोस्तों उसके आयुक्त हैं, और वर्तमान में ये राज्यसभा के उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में दोस्तों अपनी सेवाएं ये दे रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये इससे पहले जनवरी 2015 से जनवरी 2020 तक दोस्तों जो बिक्री कर आयुक्त होते हैं दोस्तों जो GST के आयुक्त होते हैं दोस्तों उसके तौर पर दोस्तों ये अपनी सेवाएं दे चुके हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये स्थान किसका लेने वाले दोस्तों, अब देखिए स्थान लेने वाले हैं जिन्होंने 31 जुलाई 2020 को दोस्तों
सेवानियुक्त हो गए, जिनका नाम है क्या, संजय भाटिया। दोस्तों उनका नाम है और जिनके जगह पर मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के तौर पर राजीव जोरोडा की दोस्तों नियुक्ति कर दी गई है। ओके, अगला प्रश्न। प्रियंका राधाकृष्णन ऑफ इंडियन ओरिजिन हैज रिसेंटली बीन मेड ए मिस्टर इन विच कंट्री, यानी कि भारतीय मूल की प्रियंका राधाकृष्णन को हाल ही में किस देश में मंत्री बनाया गया। दोस्तों अब देखिए, इनको मंत्री बनाया गया है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों न्यूजीलैंड में। अब देखिए, जो प्रियंका राधाकृष्णन है दोस्तों, इन्होंने ये भारतीय मूल की दोस्तों पहली महिला दोस्तों राजनेता है, इसलिए दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, इसको आप सही से याद कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए, ये मंत्री तो बना दी गई दोस्तों, कौन सी मंत्री बनाए गए दोस्तों, वहाँ पर बनाए गए हैं युवा और एसोसिएट मंत्री, और उसके साथ साथ दोस्तों सामाजिक विकास और रोजगार मंत्री के तौर पर दोस्तों इनकी नियुक्ति करी। किसने, तो न्यूजीलैंड के पहले टाइम के प्रधानमंत्री जैकिंडा आर्डन है दोस्तों, जो जैकिंडा आर्डन है लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री दोस्तों नियुक्त कर दी गई हैं अब की बात दोस्तों, यानी कि दोस्तों वो बन गई हैं। अब देखिए, जो प्रियंका राधाकृष्णन है, इनकी प्रेजेंट टाइम की एज है 41 ईयर ओल्ड दोस्तों, और इनके साथ में पांच मंत्री को दोस्तों नियुक्ति करेगी, और पांच मंत्रियों में से दोस्तों एक ये भी मंत्री हैं। ठीक है, अब देखिए, जो प्रियंका राधाकृष्णन है दोस्तों, इनका जन्म हुआ था कहाँ, चेन्नई यानी कि तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI ने किसको महिला T20 चैलेंज का टाइटल प्रायोजक घोषित कर दिया दोस्तों। अब देखिए, जो टाइटल प्रायोजक घोषित कर दिया किसका, तो महिला T20 का किसने, तो BCCI यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने दोस्तों किसको, तो ऑप्शन नंबर बी आएंगे दोस्तों, जियो ने। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, जो ये चैलेंज है इसका आयोजन किया जाएगा दोस्तों कहाँ पर, तो शारजाह में इसका आयोजन किया जाएगा दोस्तों, और कब से कब तक, तो 4 नवंबर से लेकर के 9 नवंबर तक दोस्तों इस टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा दोस्तों। अब देखिए, इस टूर्नामेंट में दोस्तों तीन टीमें हिस्सा ले रही हैं, कौन कौन सी, तो वेलोसिटी, सुपरनोवा और टेल ब्रेजर्स नाम की दोस्तों जो टीमें हैं वो इसमें हिस्सा ले रही हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए, ऐसा दोस्तों जब से IPL चालू हुआ दोस्तों, तब से होता आ रहा है कि जब भी IPL के दोस्तों जो लीग के मैच खत्म होते हैं, और लीग के मैच खत्म होने के बाद जब तक दोस्तों फाइनल नहीं हो जाता, तो उसी बीच में दोस्तों इस टूर्नामेंट को कराया जाता है दोस्तों। अब देखिए, जो तीन टीमें हैं दोस्तों, एक दूसरे दोस्तों एक एक मैच खेलेंगी, और बाद में ये 9 नवंबर को दोस्तों फाइनल खेलने का काम करने वाली हैं दोस्तों। अब देखिए, जो हमारे भारत की जो महिला क्रिकेट टीम है दोस्तों T20 की दोस्तों, उसकी कप्तान है हरमनप्रीत कौर दोस्तों, और वो जो सुपर नेवा के नाम से दोस्तों जो टीम है उसकी ये कैप्टन दोस्तों रहने वाली हैं। जो मिताली राज हैं वो दोस्तों जो वेलोसिटी टीम है दोस्तों उसकी कैप्टन के तौर पर दोस्तों अपनी सेवाएं देने वाली हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। हु लॉन्च द प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ इनिशिएटिव, यानी कि किसने प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ पहल की शुरुआत करी दोस्तों। अब देखिए, इस पहल की शुरुआत करी ऑप्शन नंबर बी यानी कि देहरादून नगर निगम ने। अब देखिए, इस पहल की जब दोस्तों शुरुआत की गई, तभी देखा गया जो दुनिया के ऊपर दोस्तों जो प्लास्टिक का कचरा है उसका कितना खतरा मंडरा रहा है दोस्तों, इस खतरे से निपटने के लिए इस पहल की शुरुआत की गई किसकी तरफ से, तो देहरादून नगर निगम की तरफ दोस्तों। अब देखिए, इसके अंतर्गत में अगर कोई व्यक्ति दोस्तों जो कचरा होता है प्लास्टिक का वो देहरादून नगर निगम के पास लेकर जाएगा, तो उसको फ्री में यानी कि दोस्तों मुफ्त में मास्क दे दिया जाएगा दोस्तों। अब देखिए, इसके लिए लोगों के बीच में दोस्तों जागरूकता भी फैलाई जा रही है देहरादून नगर निगम की तरफ से दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न 9 नंबर के लिए। हु विल लॉन्च अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOSO-1 ऑन 7 नवंबर, यानी कि 7 नवंबर को कौन पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOSO-1 लॉन्च करेगा दोस्तों। अब देखिए, जो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है EOSO-1 दोस्तों, इसको लॉन्च करने वाला है कौन, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि भारत और भारत तरफ से इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि दोस्तों जो इसरो है उसको लॉन्च करने का काम करने वाला दोस्तों। कब, तो 7 नवंबर यानी दोस्तों कल ही के दिन इसको लॉन्च कर दिया जाएगा दोस्तों। अब देखिए, इसको लॉन्च किया जाएगा तो इसी के साथ साथ में 9 और उपग्रह को लॉन्च किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए, जो 9 उपग्रह को लॉन्च किया जाएगा दोस्तों, जो भारत का पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल यानी दोस्तों जो PSLV है दोस्तों, जो अंतरिक्ष ले जाएंगे दोस्तों अभियान है उसके ऊपर दोस्तों इसको छोड़ा जाने वाला है। ठीक है, और दोस्तों जो जब से कोविड लॉकडाउन लगा दोस्तों देश में, तब से ये पहला इसरो की तरफ दोस्तों लॉन्च किया जाने वाला
उपग्रह होने वाला दोस्तों। अब देखिए जब उपग्रह लॉन्च किया जाएगा दोस्तों इसमें फ़ायदा क्या होने वाला है भारत को दोस्तों, इसमें फ़ायदा होने वाला है कि जो भी हमारा कृषि हो गया, वानिकी, आपदा प्रबंधन से जो जो दोस्तों जितनी भी डाटा होंगे वो इस उपग्रह के माध्यम से लोगों के बीच में भेज दिए जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, फॉर्मली ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर अलाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट, यानी कि औपचारिक रूप से ऑस्ट्रेलिया के किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से सेवानिवृत्ति की दोस्तों घोषणा कर दी है दोस्तों। अब देखिए क्रिकेट के सभी प्रारूपों से औपचारिक तौर पर दोस्तों घोषणा करी किसने, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि शेन वाटसन है दोस्तों घोषणा कर दी, और जो शेन वाटसन है ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में ऑलराउंडर दोस्तों रह चुके हैं, और जो चेन्नई सुपर किंग है यानी तो जो CSK है उसके सलामी बल्लेबाज दोस्तों वो रह चुके हैं। अब देखिए हमको पता है कि जो भी अभी प्रेजेंट टाइम दोस्तों IPL चल रहा है, और IPL जो चेन्नई सुपर किंग है दोस्तों वो बाहर हो गई, कब दोस्तों जो उससे अपन लास्ट मैच किंग्स 11 दोस्तों पंजाब के साथ खेला, और उसी मैच के बाद में जो शेन वाटसन है दोस्तों इन्होंने अपने सन्यासी घोषणा कर दी। अब देखिए इन्होंने इंटरनेशनल करियर में दोस्तों अपने ऑस्ट्रेलिया देश की तरफ से 59 दोस्तों टेस्ट मैच खेला हुआ है, 190 वनडे मैच, और दोस्तों 58 T20 मैच दोस्तों खेला दोस्तों। कब से कब तक, तो 2007 से दोस्तों जो 2015 के बीच में दोस्तों दो जो वर्ल्ड कप जीते हैं किसने, तो ऑस्ट्रेलिया दोस्तों, और उस टीम का ये हिस्सा भी रह चुके हैं। अब देखिए दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ से दोस्तों इन्होंने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट का दोस्तों जो करियर है उसमें मार्च 2016 से दोस्तों संन्यास ले लिया था। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब इन्होंने सभी लीगों से दोस्तों संन्यास ले लिया है, और दोस्तों उसके बाद में दोस्तों ये विदेशों में जितने भी लीग हुआ करते थे, जैसे मैं दोस्तों IPL हो गया वैसे दोस्तों लीगों में खेला करते आ रहे हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं जो हमने पिछले यानी कल की वीडियो में प्रश्न पूछा है दोस्तों। हम देखिए क्या पूछा है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की पुरस्कार राशि 7.5 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया दोस्तों। अब देखिए इस राशि को बढ़ाकर कर दिया गया है दोस्तों कितना, तो ऑप्शन नंबर यानी कि 25 लाख रुपए दोस्तों बढ़ाकर कर दिया गया। अब देखिए दोस्तों एक प्रश्न का सही आपको जवाब देना है क्या, कि अभी 2020 का जो राजीव गांधी दोस्तों खेल रत्न पुरस्कार है उस पुरस्कार को किस किस खिलाड़ी को दिया गया। ठीक है, अब देखिए इस प्रश्न का सही जवाब दिया किसने, तो विजय कुमार, कुणाल कुमार सिंह, बुलती घोष, सर्वेश काजी, श्रीमानता बाग, निखिल मदेशिया और अमन कुमार। ओके, अब देखेंगे हम आज का प्रश्न दोस्तों, और आज के प्रश्न के बारे में आपको जितना भी मालूम होगा साथ साथ दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम 5 लोगों को इस वीडियो को दोस्तों अवश्य आप शेयर कीजिएगा। ओके, और जो भी दोस्त चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबा लीजिए, और अपना और अपनों का ख्याल रखिए, और इसी तरह मन लाकर पढ़ते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।